अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको डामा फ़िश के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स, ये डामा फ़िश है, 3.5 किलो में 2 दाने तुले थे, जंबो साइज़ के ये डामा थे, तकरीबन 1.25 किलो के करीब तक के साइज़ का एक दाना इसके अंदर मौजूद था। अब व्यूअर्स, डामा का गोश्त भी प्योर वाइट गोश्त होता है, जायके के अतबार से भी बहुत ही बेहतरीन मछली है। आप इसके बोनलेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका गोश्त इंतहाई नरम और सिल्की गोश्त होता है। नरम गोश्त जैसे दूसरी कैटफिश फैमिली की जो मछलियों के गोश्त हैं, उनको अगर आप धोते हुए भी आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो उनके रेशे जुदा होने लग जाते हैं, लेकिन डामा फिश या गिसर की किसी भी किस्म की कोई स्पीसीज का जो गोश्त है, उसका रेशे जुदा नहीं होते और ये एक जुड़ा हुआ वैसे बज़ाहरी, और इसकी फार्म जो है वो एक मज़बूत फार्म होती है, लेकिन खाने में और जो सिल्कीपन में ये बहुत ही ज़्यादा है और खाने में इंतहाई सॉफ्ट है। तो आप इसको बोनलेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई के हिसाब से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिल के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अब बेहतरीन मछलियों में से प्योर वाइट गोश्त होता है इसका। सलीम किधर गए हुए यार, भाग गए यहाँ से। हैं? नहीं, ये दिए नहीं लगे हुए थे, उधर कटवाता रहो
मैं पहचान लेता हूँ, मैं लेते वक्त पहले दामे को हाथ में लेके भी सोलता हूँ। पूरा जाया हो जाता है वो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।